आगे की वीडियो में हमने देखा था कि राम प्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी थे और उन्होंने किस प्रकार अपनी माँ का गुणगान किया वह उन्होंने बताया था। आज हम आगे के पाठ में देखें तो एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करवा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर यानी कि उनके साइन वकालत नामे पर पढ़ूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो मेरे धर्म के विरुद्ध है, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ और ना मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा मैंने सत्य का आचरण किया था, चाहे वह कुछ भी हो जाए मैं सत्यवाद कहता था। एक बार वकील साहब मने बोलावे चने के छे के हूँ मारा पिताजी ना जी साइन छे एना साइन हो एक केस ना सिलसिला में कागज ऊपर करी दो, परंतु हूँ सत्यवादी तो जेना कारणे हूँ आ करतो नथी। अग्यार वर्ष की उम्र में माता जी कृपा करके साजापुर आई थी। उस समय मैं निनाद यानी बिल्कुल अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी, अशिक्षित थी और एक गांव की लड़की के समान थी। साजापुर आने के थोड़े दिन बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को वहां पर बुला लिया। छोटी बहन दादी की छोटी बहन यानी कि दादी जी की राम प्रसाद बिस्मिल जी की मासी, उन्होंने माता जी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माता जी ने घर के सब काम को समझ लिया और भोजन को ठीक ठीक बनाने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया था। जब मैं 5 या 7 वर्ष का था तब वे पढ़ना लिखना शुरू करती हैं। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था, वे खुद से ही पढ़ना लिखना चाहती हैं। मोहल्ले की सभी सहेली जो घर पर आया करती थी और जो शिक्षित थी यानी कि पढ़ी लिखी थी, माता जी उससे अक्सर बहुत पढ़ती, माता जी उससे पढ़ना लिखना सीखती। इस प्रकार घर का सब काम करने के बाद जो समय मिल जाता था उसमें मैं पढ़ना लिखना पढ़ती थी। बस परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। अपनी मेहनत से उन्होंने थोड़े दिनों में देवनागरी यानी हिंदी भाषा सीख ली और वे पुस्तकें भी पढ़ने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में ही माता जी शिक्षा दिया करती थी, मेरी बहन भी उन्हीं से पढ़ती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया माता जी से खूब वार्तालाप होता। आर्य समाज में मैं जब दाखिल होता हूँ उस पक्ष को अपने लिए अपने जीवन में प्रवेश करता हूँ तो मेरी माता जी मुझे बहुत समझाती थी। उस समय की अपेक्षा उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। यदि ऐसी माता मुझे ना मिलती तो मैं अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। यदि मुझे ऐसी मेरी माता ना मिलती तो मैं दूसरे साधारण लोगों की तरह संसार में केवल साधारण जिंदगी जीता रहता था। इस प्रकार प्रसाद इसमें अपनी माता के बारे में कहते हैं। शिक्षा जी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसे ही सहायता की थी जैसी मैदिनी ने उनकी माता की थी। मैदिनी यानी कि एक विद्वान व्यक्ति थे और जिनका जन्म इटली में हुआ था। उन्होंने माता का खूब जीवन बदलाव माटे प्रेरणा आपे थे। माता जी का सबसे बड़ा आदेश देने थे यही था कि किसी की प्राण हानि हमें नहीं करनी चाहिए। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना, किसी की प्राण लेने के अधिकार हमें नहीं है। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी, परंतु मैं देशभक्त था और आज़ादी की लड़ाई में संलग्न था, जिसके कारण मुझे उनकी दी हुई बातों का दी हुई शिक्षा पर कभी कभी उल्लंघन करना पड़ता था। इस प्रकार आत्मकथा में राम प्रसाद बिस्मिल जी ने
अपनी माता के बहुत ही गुणगान गाए हैं और आगे का पाठ हमारी वीडियो में देखें।